हेलो डियर स्टूडेंट्स एज यू नो वेरी वेल ऑन ट्वेंटी सेकेंड विल टेक द पेपर ऑफ इंग्लिश को इन ट्वेल्थ एग्जाम और मैं अच्छे से जानता हूँ भली भांति जानता हूँ कि आप बहुत प्रयत्नशील हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं लगभग आपने अपने कोर्सेज को दो से तीन बार जरूर पढ़ लिया होगा आई थिंक यू विल डू द बेस्ट दैट्स वाई आई एम गोइंग टू मोटिवेट यू आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट द बेस्ट आंसर्स ड्यूरिंग

दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस जो एक एक मार्क्स के होंगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ट डेफिनेटली आप लिटरेचर पोर्शन में और अच्छा गेन कर पाएंगे बी पार्ट इसका राइटिंग सेक्शन होता है जिसमें चार क्वेश्चन आते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन चार नंबर का होता है जिसमें दो नोटिस होते हैं कितने नोटिस होते हैं बच्चों दो नोटिस होते हैं और दोनों ही नोटिस और नोटिस में मिस्टेक हो, हो जाती है एक नंबर का होगा और उसकी ग्रामर जो आप यूज करते हो जिसमें प्रॉपर हेल्पिंग प्रॉपर मेन वर्ब का जो यूज होता है वो एक नंबर का होता है इस प्रकार नोटिस चार नंबर रखता है दो नोटिस आएंगे आउट ऑफ टू आपको एक नोटिस करना है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू जो चार नंबर का है इसमें भी आपको बहुत अच्छे से यह ध्यान रखना है कि इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाई है और दोनों ही ऑप्शन होंगे जिसमें से एक आपको करना होगा ठीक है और थर्ड क्वेश्चन आता है लेटर राइटिंग जिसमें आपके फॉर्मल लेटर्स आ गए फॉर्मल लेटर्स में आपका कंप्लेनिंग uh, लेटर आ गया उसके अलावा आपका बिजनेस लेटर आ गया और थर्ड पोर्शन है आपका जो थर्ड टाइप का लेटर है वो है जॉब वैकेंसी लेटर इन तीन में से कोई दो आएंगे और आपको एक करना होगा पांच नंबर का और और फोर्थ तो लास्ट आता है आपका आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग जिसमें ऑप्शन होगा आप दोनों चॉइस होंगी आप कोई सा भी एक चॉइस कर सकते हैं इस प्रकार आपके ये एटीन मार्क्स होते हैं राइटिंग सेक्शन के सी पार्ट पे हम आते हैं जो कि बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर एक बात ध्यान रखना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा अगर ए और बी पार्ट आपका गड़बड़ हो जाता है तो सी पार्ट सही लिखने पर भी पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते तो दैट्स यू मस्ट ड्यूरिंग राइटिंग राइटिंग द आंसर्स ऑफ पैसेजेस एंड कि जो आंसर्स आप लिखें पूरी एकाग्रता और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखना डेफिनेटली और ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है जितना पढ़ लिया इनफ है आपको समराइज लिया पढ़ना है जब आप लिटरेचर पोर्शन पे जाएंगे तो एक बात ध्यान रखना लिटरेचर पोर्शन में कई भाग हैं, कई डिवाइडेशन है, जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो फोर्टी मार्क्स का लिटरेचर पोर्शन है पोइट्री में, एक एक में से जिसमें सिक्स मार्क्स होंगे यानी होंगे इंक्लूडिंग सिनोनिम पर्यायवाची ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं चार नंबर का विस्टास में से एक छोटा सा पैसेज होगा जिसे हम सीन पैसेज कहते हैं जो कि सप्लीमेंट्री बुक में से होगा और चार क्वेश्चन होंगे ईच क्वेश्चन हैज वन मार्क ओके तो चार क्वेश्चन यानी चार नंबर का विस्तारस का एक सीन पैसेज होगा और इसी क्रम में जब थर्ड पोर्शन पे हम चलते हैं तो एक और सीन पैसेज हमें देखने को मिलता है फ्लेमिंगो में 6 नंबर का और इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा आगे चलते हैं तो पोएट्री और प्रोस फ्लेमिंगो में छः क्वेश्चन होंगे टोटल लेकिन उनमें आप एक क्वेश्चन आप लीव आउट कर सकते हैं क्योंकि आपको वहाँ पाँच ही क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन दो नंबर का होगा तो दस नंबर का आपका फ्लेमिंगो में प्रोज और पोइट्री सेक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इसके बाद मैं चलता हूं आगे दो दो नंबर के विस्टाज के क्वेश्चन होंगे चार नंबर के आगे मैं इसी क्रम में चलूंगा तो फ्लेमिंगो में आपका आपके दो मेजर क्वेश्चन होंगे और चॉइस दो होंगी बट करना एक है एक पोइट्री में से से आएगा आएगा मेजर क्वेश्चन और एक आपका में से आएगा। तो इट इज वेरी इजी कोई टेंशन की बात नहीं है मैं आपको एक बात बता देता हूं मेजर क्वेश्चन में सबसे अच्छा तरीका है अगर कैरेक्टर स्केच आए तो प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि पॉइंट्स में आंसर लिखें लाइक like, जैसे आप कैरेक्टर स्केच आप लिखते हैं तो आप उसको बिल्कुल मिक्स करके ना लिखें जैसा कि अक्सर मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट दिस वे दैट इज रॉन्ग वे इफ यू वॉन्ट टू गेट फुल मार्क्स इन एनी कैरेक्टर स्केच यू हैव टू राइट इन लाइक आपको मिस्टर का कैरेक्टर लिखना है तो ही वॉज अ प्रोटेगोनिस्ट इन द कंप्लीट चैप्टर इस फर्स्ट चैप्टर जो कि द लास्ट लेसन है इसमें मिस्टर हैमेल एक प्रोटेगोनिस्ट है तो एज अ प्रोटेगोनिस्ट एज अ फ्रेंच टीचर

आपको इस तरह से आपको लिखना थर्ड तो इसी तरह से आप उसमें क्वेश्चन मिलाकर लिख सकते हैं लेकिन एक बात है सपोज कीजिए वो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कोई लाइन लिखी हो इन्वर्टेड कोमा में बंद और पीछे लिखा हो डिस्कस इट या इट तो आप उस आंसर के एक्चुअल आंसर को लिखकर उस क्वेश्चन के एक्चुअल आंसर को लिखकर आपको जो भी उसके शॉर्ट क्वेश्चन की पता है आंसर्स आप उनको उसी क्रम में सिस्टमेटिक कंबाइंड करके विदाउट चेंजिंग एनी पेरा आपको लिख देना है और लास्ट में दस इट इज राइटली सेट दैट और वो जो इन्वर्टेड कोमाज में बंद लाइन थी उसे कॉपी कर देना है इज दैट द राइट आंसर ऑफ यू आप अच्छा कर पाएंगे बिल्कुल मत निराश होना अगर मेजर क्वेश्चन नहीं आए तो जितने छोटे क्वेश्चन दो तीन आपको अच्छे से लर्न है उनको आप मिक्स करके अच्छे से लिख दीजिएगा डोंट वरी अबाउट द मेजर क्वेश्चन आगे चलते हैं एक मेजर क्वेश्चन यानी दो मेजर क्वेश्चन विस्टास में से हैं चोइस दो हैं क्वेश्चन करना एक ही है

छठ वर्ष की तो उसमें उनकी समरी आपको पता होनी चाहिए कि कोचिंग की ओर जब ले आई मीन पॉइंट जा रही हैं कमला दास जा रही हैं तो वो क्या एजेंसी थी वहाँ जाना पड़ रहा है और वो कौन सा समय था जब वो ड्राइविंग करते हुए अपनी बगल में बैठी हुई माँ को ले जा रही थी और माँ बहुत ज्यादा एस्टोनिस्ड थी शी वॉज अनबल टू स्पीक एनी थिंग शी वॉज एस्टोनिस्ड कंप्लीटली तो ऐसी स्थिति में क्या बातें हुई तो वो समरी आपको पता होनी चाहिए मैं तो कहता हूं समरी पता भी नहीं है लेकिन आपको दो या तीन या चार क्वेश्चन उसके पता है सपोज uh, माली जी वहां आता है कि मेंशन द समरी ऑफ माय मदर एट 66 मैच एज अ मेजर क्वेश्चन कोई बात नहीं आप लिखिए दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट एंड दिस इज कंपोज्ड बाय कमला दास शी वाज नॉट ओनली अ ग्रेट थिंकर बट आल्सो अ ग्रेट पर्सनालिटी इन इंडिया आप आगे लिख सकते हैं बहुत अच्छे से इन दिस टॉक्स अबाउट एंड स्पीक्स अबाउट हर मदर्स अब मम्मी की वो स्थिति बताते हुए लास्ट में आप जाए आप बताएं कि बीच में जब वो मम्मी को कार में ले जा रही थी तो उस स्थिति में जो पैथेटिकनेस उन्होंने फील की जो दुख महसूस किया अपने आप को पैसिमिस्टिकनेस से दूर करने के लिए निराशावादिता से दूर करने के लिए उन्होंने अपना ध्यान दूर किया और बाहर की ओर उन्होंने उन बच्चों को बाहर निकलते हुए देखा जो खेलने के लिए बाहर निकल रहे थे तो वो जब उन्होंने देखा बच्चों को उल्लासित होकर खेलते हुए देखा तो शी फील्स वेरी हैप्पी अब जब जब वो वहां से लौट रही थी मतलब वापस जा रही थी वहां से और माँ को विदा कर रही थी तो शी अश्योर्स शी रीअ्योर हर डेफिनेटली कम टू मीट हिम टू मीट हर उन्होंने बोला कि वो उससे मिलने जरूर आएंगी तो इसी क्रम में मैं बताऊंगा जो भी समरी में जो भी आपको क्वेश्चंस पता है उनके आंसर मिक्स करके भी लिख देंगे दैट इज कॉल्ड समरी ऑफ द पॉइंट क्वेश्चन नंबर वन जैसे ये आ जाता है कि व्हाई डज द पोएट कंपेयर हर मदर टू द लेट विटर स्पून इसका आंसर आप अच्छे से कर लो व्हाई डज द पोएट स्माइल एंड स्माइल्ड एट द एंड ऑफ द पोएम तो इस तरह से जो आपको आंसर्स उनको अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से मिक्स करके लिखेंगे याद रखिएगा कि आपको रीडिंग पोर्शन जो आपका 22 मार्क्स का है जिसमें पहला पैसेज आपका 12 मार्क्स का है और सेकंड पैसेज आपका 10 मार्क्स का है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसा करना है बात होती है कि आपको टाइम थ्री आवर्स मिलते हैं फिफ्टीन मिनट्स और मिलते हैं लेकिन वो लिखने के लिए नहीं होते हैं वो रीडिंग के लिए होते हैं मेरे अकॉर्डिंग अगर आप वहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखें तो पहला जो पैसेज बारह नंबर का है आप उसको रीड कर लें अच्छे से और रीड कर ड्यूरिंग रीडिंग यू हैव टू अंडरलाइन सिलेक्टेड वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स इंपॉर्टेंट क्लोज एंड इम्पोर्टेंट सेंटेंसेज इफ यू थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेटली अंडरलाइन एवरी थिंग विच यू वॉन्ट लिमिट आप लिमिट में ही लिखना है आपको नियर अबाउट ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड्स नॉट 30 वर्ड्स आपको मोर देन थर्टी वर्ड्स नहीं लिखना है इस बात का आपको ध्यान रखना है सिनोनिम्स के लिए बहुत अच्छा है कि वो पैराग्राफ नंबर देते हैं आपको कि पैराग्राफ नंबर थ्री में पैराग्राफ नंबर फोर में वो देगा ऐसी uh, how, how स्थिति में आप कैसे प्राप्त करेंगे सबसे अच्छा तरीका है आपको याद रखना है उस शब्द के पीछे ल, वाई दिया हुआ है तो वो definitely, वो एडवर्ब होगा क्या होगा एडवर्ब तो आपको एडवर्ब ही देखना होगा आपको नाउन देखना है, नाउन सिंगुलर है, है। उसके अकॉर्डिंग आपको सिनोनिम देखना है एडजेक्टिव है एडजेक्टिव जैसे मैंने वहां पर आपको मिला वास्ट वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा विशाल तो लार्ज है यूज है कुछ भी दे सकता है वो आपको फाइंड आउट करना है ठीक है और मेन वर्ब फर्स्ट या सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं पूछते या तो फर्स्ट फॉर्म पूछते हैं या सेकंड दैट इज द वे टू सॉल्व सिनोनिम्स जिसकी वर्कबलरी अच्छी होगी वो सिनोनिम्स को बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर लेगा और लिखेगा क्रॉस नहीं करना है बार बार कटिंग नहीं करना है इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है बिल्कुल क्लीन रखते हुए कॉपी लिखना है कहीं भी क्रॉस नहीं करना है ज्यादा बिना मतलब और जहां भी आपको लगता है कि आपको पैराग्राफ चेंज वही करना है पर कैसे भी आपकी वो लाइन पहले खत्म होनी चाहिए तो पैराग्राफ चेंज होगा वो भी बिगिनिंग से होगा ध्यान रखिएगा लेकिन सपोज कीजिए वो लाइन आपकी पूरी वहाँ खत्म होती है पूरी वहां खत्म होती है तो आप उस लाइन के लिए एक लाइन को लीव करके अगली लाइन से लिखेंगे ये आपको ध्यान रखना

इसमें जब जर्मन सेना के द्वारा जब वहां पर फ्रांस के दो शहरों पर एल्स और लॉरेन पर कब्जा कर लिया जाता है और एल्स वो जगह है जहां पर कंटिन्यू फोर्टी ईयर्स तक एम ने कटिबद्धता के साथ पूरी फैक्नेस के साथ मेहनत करते हुए फ्रांसीसी बच्चों को पढ़ाया था फ्रेंच स्टूडेंट्स को पढ़ाया था और वही टीचर इट वॉज द लास्ट डे ऑफ इन इन फ्रांस आफ्टर नोइंग दिस वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी वर्कोलिक स्टूडेंट हम जानते हैं वो birds, जो birds के थे, अंडे थे, उनको तलाश करने जाता था ऑल्सो वेंट फॉर स्लाइडिंग ऑन द सा इसमें बहुत अच्छा इस तरह से आपको ध्यान रखना है इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला अच्छे से क्वेश्चन याद कर लेना

He 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 went for sliding on the वेन फॉर ki ऑन द सा पर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि when did Mr. Hamill wear his beautiful green coat? डिट मिस्टर है did दिया है बच्चों ध्यान से समझना यहाँ did दिया है अब अगर did दिया है तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि did दिया है तो वियर की सेकेंड फॉर्म वॉर आपको पता होनी beautiful ग्रीन कोट ऑन टू ओकेजन

वहां पर इनके पास खेत थे घर थे खलिण थे सब कुछ अच्छा था लेकिन वहां पर तेज तूफानों की वजह से बहुत हैवी स्टोम की वजह से इनके घर उजड़ गए तो यहाँ इन्होंने आकर दिल्ली में जब ये बसे तो यहाँ पर ये इनका काम रैक पिकिंग का था रैक पिकिंग होता है कचरा बीनना उन परिवार में एक बच्चा था साहेब जो पढ़ता नहीं था और लेखिका उससे मिलती थी अक्सर वो कचरे के ढेर में कुछ ना कुछ बीनता हुआ देखता था तो जब भी वो बात करती थी साहेब से तो साहेब से वो बात करती थी कि मैं जब स्कूल खोलूंगी खोलूंगी जब भी मैं स्कूल खोलूंगी ओपन करूंगी स्कूल को तो आओगे तो वो अगले ही दिन भागता हुआ आता है और कहता है मैम मैं, मैं स्कूल में पढ़ूंगा मेरा एडमिशन करेंगे लेकिन मैम को लगा कि ये तो मैंने एक मजाक किया था और बच्चा तो एकदम आ गया बच्चों वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर एटमोस्फेयर नहीं मिलने की वजह से वो पढ़ नहीं पाता साहेब को वो जो भी और साहेब को एक काम मिलता है राइट पिकिंग का काम तो वो उसके घर का काम था वो करते ही था लेकिन उसे चाय की दुकान पर एक काम मिलता है जहां पर उसको आठ सौ रुपए पगार मिलती है ही गॉट एट हंड्रेड रुपीज इंक्लूडिंग lunch लंच एंड डिनर बट ही डिड नॉट फाइंड हिमसेल्फ as एज अ ऑनर एज एन ऑनर ही फाइंड हिमसेल्फ दे आर एज अ स्लेव दी डिट वॉन्ट टू डू एनी थिंग दे आर इन अब अगले क्रम में हम दूसरी कहानी पर चलते हैं मुकेश की कहानी मुकेश के परिवार में उसका बड़ा भाई है भाभी है दादा दादी है इधर होता क्या है कि इसके दादा और दादा जो कि बेंगल मेकिंग का काम करते हैं युवावस्था में वो अंधे हो जाते हैं क्योंकि बेंगल मेकिंग फिरोजाबाद का एक मुख्य प्रोफेशन है वहां के लोग मोस्टली लोग पुरानी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जब का चैप्टर है उस समय लगभग हर परिवार बेंगल मेकिंग का, का काम किया करता था मुख्य व्यवसाय है विदेशों में चूड़ियां जाती हैं और फिरोजाबाद फेमस ही इसीलिए है मल्टी कलर्ड बेंगल्स के लिए वो फेमस है तो आप लिख सकते हैं फिरोजाबाद इज फेमस फॉर मेकिंग वेरी एंड मल्टी कलर्ड बेंगल्स अब अब इसमें भी एक पार्ट याद रखना मुकेश का एम्बिशन क्या था व्हाट वॉज द एम्बिशन ऑफ मुकेश मुकेश वॉन्टेड टू बिकम हिमसेल्फ वर्सेटाइल एंड फैबुलस मोथमिक इन हिज लाइफ ही डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी बेंगल इन हिज लाइफ लाइक हिज फैमिली में उसका बड़ा भाई ये काम करता था भाभी ये काम करती थी उसके दादी दादा ने ये काम किया लेकिन यहाँ पर कुछ बातें जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखनी होगी उसके पुराने घर को रिनोवेट कराने का काम उसके मम्मी पापा ने नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर ने किया ऐसा कहते हैं कि उन लोगों ने शेर भर खाना भी नहीं खाया इसमें एक लाइन है कि मैंने शेर भर खाना भी नहीं खाया पेट भर के मतलब इन्होंने एक वक्त भी अपने होल लाइफ में अपने पूरे जीवन में पूरे जीवन में एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाया और थोड़ा थोड़ा करके बचाते बचाते पैसा बचाकर उस टूटे हुए मकान को जर्जर -जर मकान को हिलती हुई खिड़कियों वाली स्थिति को ऐसे मकान को रिनोवेट कराया नया किया उन्होंने अब पापा क्यों नहीं कर पाए पापा कभी उनको दो काम नहीं कर पाए ही वॉज अनेबल टू डू टू टास्क फॉर देयर चिल्ड्रन बड़े भाई और मुकेश के लिए क्या नहीं कर पाए ही टू सेंड अनेबल टू रिनोवेट हाउस ना तो स्कूल भेज पाए ना मकान को रिनोवेट कर पाए क्योंकि पहले उन्होंने टेलर का काम किया फिर बेंगल मेकिंग का काम किया हाँ पापा ने एक काम जरूर किया ही ओनली टॉट बोथ ऑफ हिज चिल्ड्रन हाउ टू मेक बेंगल्स ये सिखाना यह सिखाया उन्होंने कि चुड़ियां कैसे बनती है। पर मुकेश नहीं चाहता मुकेश डिट मेकर नहीं बनना चाहता, बनना चाहता है याद होनी चाहिए इसी क्रम में, मैं का काम क्या है विलियम डगलस का काम ये है कि वो बिगनिंग में जब हमें पता चलता है बिगनिंग में ये घबरा जाता है तीन से चार साल की उम्र में ये घबरा जाता है जब ये लेर उसको डुबो सी देती है तो डर जाता है पापा हंसने लगते हैं और पापा उसे अपने सीने से लगा लेते हैं लेकिन जब ये 10 से 11 साल का होता है तब इसे एक 18 साल की उम्र के लड़के के द्वारा वाई एम सी एंग मैन क्रिश्चनसी क्रिश्चन एसोसिएशन जो क्रिश्चन एसोसिएशन इसका मतलब है वहां जितने भी क्रिश्चन है वाई पूल पुल स्विमिंग पूल उन्हीं का था जो कि याकिमा नदी पर स्थित था नदी एक बहुत डेंजरस इट इज डेंजरस रिवर और वहीं पर स्विमिंग पूल था क्रिश्चियंस का खुद एक थे तीन से चार साल की उम्र के बाद जब उनको अठारह साल के एक लड़के के द्वारा दस से ग्यारह साल की उम्र में नौ फीट की गहराई में फेंका गया बच्चों देखिए आप अ पर्सन नॉट नो हाउ टू स्विम एंड ही वॉज थ्रोन इन द डेप्थ ऑफ नाइन फीट

उसके बाद जब तैरना प्रयास किया सीखने का हिम्मत की मुझे सीखना है तो एक इंस्ट्रक्टर को उन्होंने अपने कोच के रूप में एक्सेप्ट किया और फर्स्ट अक्टूबर से उन्होंने स्विमिंग तैयार की वहां वाइमसी स्विमिंग पूल में तैरना सीखा और अप्रैल तक वो सीख चुके थे लगभग और उसके बाद जुलाई के क्रम तक उन्होंने इस चैलेंज को अपने आप ही आगे बढ़ाया और लेकिन एक बात जो इसमें कॉमन है द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर वो मनराता हुआ डर जो पानी का डर था वो उनके दिलो दिमाग में छा चुका था वेन ही ट्राई टू स्विम इन एनी पॉन्ड इन एनी लेक इन एनी रिवर वेरी एन वेरी हॉरिबल सिचुएशन मच अफ्रेड देअर बिकॉज ही नो वेरी न्यू वेरी वेल की जो हॉन्टिंग फियर है वो बार बार उनको कहता था मैं डुबो दूंगा तुम्हें लेकिन एक दिन ऐसा आया चैलेंज द फियर ऑफ वॉथर d a -R -R उन्होंने अच्छा एक एक जिसने मौत को देखा अब इसमें क्वेश्चन ये भी आता है जब उनको फेंका गया तो what did he plan? उन्होंने क्या प्लान, प्लान किया उन्होंने ये प्लान किया कि जैसे ही मैं बॉटम पर जाऊंगा अपनी जितनी ताकत है शरीर में जितना अपने आप को अप कर सकता हूँ मैं करूंगा और अपने आप को ऊपर उछालूंगा और तैरते हुए मैं कॉर्नर तक तक उस तक पहुंच लेकिन बस मैं माँ आपकी गोद में सो जाना चाहता हूँ तो इस तरह से आपको इस पूरे पार्ट को याद करना है हम चौथे चैप्टर पे चलते हैं द रेट ट्रेप ट्रिप द रेड चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें एक कैसे एक चूहेदानी बेचने वाला स्टार्टिंग में एक क्रॉफ्टर को लूट लेता है उसके थर्टी क्रोनर लूट लेता है दस दस के तीन क्रोनर यानी तीस क्रोनर रुपीज जो भी थे वो लूट लेता है लेकिन देखिए विलमेंसन के पोलाइट नेचर और काइंड नेचर की वजह से ही बिकेम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सनैलिटी और वो थर्टी क्रोनर वापस कर देता है आखिर ऐसी क्या बात थी कि आयरन मास्टर जो कि एडला का हर हर मतलब एक एक चोरी करने के बाद जब जंगल में से होकर गुजरा तो रास्ता भटकने की वजह से संध्या हो चुकी थी और वो बार बार उसी रास्ते पर आ रहा था जो व्यक्ति गलत कार्य करता है उसे परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं वही चीज उस व्यक्ति के साथ हुई उस उस रगम उफीन के साथ हुई उसी गरीब आदमी के साथ हुई गरीब से मतलब वो चूहेदानी बेचने वाला और वो फिर एक फैक्ट्री में जाता है जो कि आयरन मास्टर की थी वहां पर दो व्यक्ति होते हैं एक वहां पर ब्लैक स्मिथ होता है वहां पर एक लोहार होता है और दूसरी तरफ उसका सलाहकार होता है अप्रेंटिस उसका शिक्षु तो यानी सलाहकार सलाहकार से मतलब यहाँ पर है मददगार हेल्पर होता है वाइन्ट्री करता है फटे हुए कपड़ों में गीले कपड़ों में बरसात होने लगती भीग जाता है अंदर जाता है तो भट्टी के पास खड़ा हो जाता है और वहाँ पर आयरन मास्टर का उस भट्टी का काम था कच्चे लोहे को पक्के लोहे में बदल कर मजबूत करके उसको लिक्विड को पहले तो उस कच्चे लोहे को लिक्विड में बदलना फिर उस लिक्विड से मजबूत आयरन तैयार करना और उस मजबूत आयरन को वहाँ पर नहर के माध्यम से छोटी छोटी और बड़ी बड़ी नावों के माध्यम से मुख्य मार्केट में उतारना ये उनका कार्य था आयरन मास्टर का जैसे आयरन मास्टर इंस्पेक्शन पे आए उन्होंने देखा अरे गलती से वो उस हल्की सी रोशनी में उसको अपना एक आर्मी कॉमरेड समझ बैठे फौजी साथी समझ बैठे अरे यार तू कैसे? और वो देखे आप ऐसा कहने के बाद ऐसा कहने के बाद वो ही he पर ही पेडलर वो कंफ्यूज हो गया ये मुझे गलत समझ रहा है इफ आई स्पोक समथिंग फाउंड आउट I, I पता लग गया या कुछ जज कर लिया और फिर उसके मन में एक पाप भी आया लालच आया कि अभी मेरे थर्टी क्रोनर है बहुत जीत की, की क्रिश्चियन है भाई चले और तुम्हें तो पता है मेरी वाइफ एलिजाबेथ की डेथ हो गई है ये भी बताया पूरे चैप्टर में उस चैप्टर में बताया कि लेकिन मैं फिर हम मिल नहीं पाए मैंने आर्मी छोड़ दी लेकिन आज तेरी ये दशा देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है हे मेरे दोस्त मेरे घर को अपना घर समझ के चल पर ही डिनाइड टू गो विद हिम वो मना कर देता है और वो लेट जाता है अब पता है बच्चों उनकी एक आंख में ये प्रॉब्लम थी वो आंख बंद नहीं होती थी सोने के दौरान तो वो आंख को कोई ना देख पाए तो उस पर अपनी टोपी रख लेता था वो सो रहा था नीचे लोहे का एक टुकड़ा रखा था सर पे जिसे नींद आती है उसे तकिया नहीं दिखता जो भी चीज मिलती सो जाता है थोड़ी देर बाद एडला विलमेंसन आती है अपने एक सेवक के साथ और वो आते ही वहां से टोपी हटाती है और वो हड़बड़ा कर उठ जाता है और कहता है क्या हुआ वो कहती है अब वो पहली नज़र में दो बातें समझती है लड़कियां एकदम अटेंशन में वो मतलब ले लेती हैं समझने में स्पेशली एडला जैसी बच्ची तुरंत ही समझ जाती है कि या तो ये चोरी करके भागा है या जेल से भाग कर आया है लेकिन चूंकि पापा ने कहा था कि वो मेरा दोस्त है और जब पापा बोलते हैं तो पापा की बात पर यकीन होता है

ये अब एक गेस्ट है जिसे हम दोनों ने इनवाइट किया है अब इनको कुछ नहीं बोलेंगे आप खाना खाएंगे क्रिसमस मनाएंगे फिर ये जा सकते हैं और इस तरह से वो वो क्रिसमस लास्ट मोमेंट पर पर जब वो वहां पर आराम कर रहा होता है शाम को सुबह वो वहां चर्च जाते हैं चर्च में पूजा करते हैं, जाते हैं वहाँ चर्च में जब वो जाते हैं फादर से मिलने जो उनकी पूजा होती है क्रिश्चियंस की वो करने तो वहां पर वो बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके यहाँ से इस इस इसने इस बूढ़े आदमी ने चोरी की थी बूढ़ा आदमी कौन जो चुहेदानी बेचता था तो उसके बारे में कहता है कि मेरे पैसे चोरी कर लिए उस व्यक्ति ने जो पैसे मैंने मेरे गाय के दूध को बेचकर उसके मक्खन को बेचकर कमाया था वो वो व्यक्ति लूट ले गया और वहां पापा अपनी बेटी को कहते हैं अब तो उसने सब कुछ ले लिया होगा चम्मचे भी नहीं छोड़ी होंगी वो आता है बेटी के साथ गाड़ी पर और गेट पर ही सेवक खड़ा है कि कहा है वो सेवक कहता वो चला गया उसके हाथ में कुछ नहीं था मालिक वो चला गया और अंदर जाके देखने से पहले ही उसने एक बात बोली ने की। मालकिन, उनकी बेटी को बोला मिस्टर आ, मिस्टर नहीं, की बेटी को कि आपके लिए उस पेडलर ने चुहेदानी वाले ने एक गिफ्ट दिया है और गिफ्ट के रूप में उसमें चुहेदानी थी और चुहेदानी के अंदर बच्चे चुए नहीं थे चुहेदानी के अंदर तीस क्रोनर थे राशि थी और एक लेटर था जिसमें ये उन्होंने लिखा था उस पेडलर ने लिखा था पेडलर और मुझसे गलती हो गई आपने मुझे एक कैप्टन की तरह एक बिल्कुल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह सम्मान दिया आदर दिया मेरी मेरी अच्छी होस्टिंग की आप लोगों ने इसका मैं शुक्रगुजार हूं मैं आपको थैंक यू बोलता हूं और मेरी तरफ से एक गरीब व्यक्ति की तरफ से मैं ये तीस क्रोनर आपको देता हूँ इस तरह से ये और ये बात समझ के एडला मैंसन बिकेम वेरी हैप्पी टू थिंक सो एंड टू रीड सो ये पढ़ने के बाद वो बहुत खुश हुए इस तरह से ये चैप्टर हुए पांचवें चैप्टर की ओर हम चलते हैं तो इंडिगो इंडिगो चैप्टर 1917 का चैप्टर है जब उस समय आज़ादी पाने का दौर था अंग्रेजों का समय था और बिहार में बिहार में ये स्थिति हो रही थी कि वहाँ पर चूंकि जो जमींदार थे वो गरीब किसानों के साथ अच्छा रवैया नहीं रखते थे तो गांधी जी को राजकुमार शुक्ला के द्वारा जब चंपारण ले जाया गया तो गांधी जी ने बहुत सारे काम किए वहां पर उनके उद्धार के लिए उनकी भलाई के लिए वो तहसीलदार से मिलने गए वो वहां के सुपर इंटेंडेंट और पुलिस से मिलने गए घबराए नहीं वहां के एसपी साहब ने क्लियर कह दिया था गांधी जी यहां से चले जाओ तिरुट डिवीजन छोड़ दीजिए गलत बात होगी लेकिन गांधी जी वहां के कलेक्टर को भी डिसोबे कर देते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं इन लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा जब गांधी जी को वकीलों के थ्रू यह पता चलता है कि वो लोग उन गरीब किसानों से उन शेयर से गांधी जी ने तब डांटा था जब एंड्रयूज नाम का फिजी आइलैंड का एक फिजी आइलैंड जाने वाला एक अंग्रेज था an, गांधी. गांधी जी का फॉलोअर बनना चाहता था वकीलों ने सोचा कितनी अच्छी बात होगी कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर अंग्रेजी हमारी टीम में शामिल हो जाए तो हम इंग्लिश व्यक्तियों को से भगाने में बहुत मदद मिलेगी उस व्यक्ति के थ्रू गांधी जी को ने उन्हें सेल्फ रिलायंस का पार्ट पढ़ाया उनके लिए प्राइमरी स्कूल खुलवाए ताकि वहां बच्चे एजुकेशन ले सके प्रॉपर लाइवलीहुड की व्यवस्था हो सके और वो सारी फैसिलिटीज मिल सके आश्रम की भी व्यवस्था की उनके उस समय बहुत सारे लोग स्वेच्छा से ही कोई डॉक्टर्स थे कोई टीचर थे बिना पैसे लिए ही काम करने को स्वतः ही तैयार हो गए इस प्रकार गांधी जी ने बिहार के चंपारण में जाकर वहां पर जो नील की खेती का प्रॉब्लम हो रहा था जो बटाईदार किसानों के, के साथ गलत हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा और बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा तो उन लोगों को उन्होंने अच्छा हिस्सा उनका रिटर्न वापस करवाया वहां की जमीनें जो कब्जा कर ली गई थी उन्हें छुड़वाया और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी जी ने किस तरह किसानों की मदद की तो ये क्वेश्चन मेजर के रूप में अच्छे से कर लेना। छोटे में क्यों स्कोल्ड दोनों आपको याद रखना है इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको ध्यान रखना है हम सिक्स चैप्टर पे आते हैं पॉइट्स एंड पेनकेक्स इसमें ये एक दल है ये पूरे समूह है साउथ इंडिया में टॉलीवुड यानी ये वो जगह है जहाँ पहली बार स्टार्ट हुआ था कि कैसे एक्ट किया जाता है और कैसे कोई सीरियल या मूवी बनाई जाती है उसी में जो इसको बनाने वाले थे उसमें आंध्रा के भी थे बांग्लादेशी भी थे और हर तरह का व्यक्ति था वहां पर मतलब जितने भी स्पेशली यहाँ पर आंध्रा के यहाँ पर महाराष्ट्र के राजस्थान के और लगभग अपने सभी प्रदेशों के भारत के प्रदेशों के लोग थे पर अगर हम बात करें तो इसमें मालिक कौन था तो मिस्टर एस एस वासन जिन्हें नंबर वन रैंक दी गई है नंबर टू पे थे सुबू, कोटा मंगलम सुबू फिर ऑफिस बॉय ऑफिस बॉय अच्छा पॉइंट भी था ऑफिस बॉय टैलेंटेड भी ज्यादा था सुबू से बहुत अच्छा था फिर भी सुबू की बहुत चलती थी क्योंकि ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी डिड एवरीथिंग फॉर for everyone, आफ्टर लिविंग हिज own टास्क अपना खुद का काम छोड़कर दूसरों के काम के लिए भागना इसकी एक बहुत अच्छी आदत थी केयर केयर करने always took care of everyone, की की वो सभी करता था इसीलिए एवरी वन लाइक उसके पूरे परिवार में जो भी जितने भी लोग थे पूरे उन उस सब में उसको पसंद किया जाता था जिसे आप अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट हम आते हैं द इंटरव्यू इंटरव्यू साक्षात्कार इसमें दो पोर्शन है एक पोर्शन है कि इंटरव्यू देने के क्या क्या फायदे हैं हाँ इंटरव्यू अस वेरी परफेक्ट कॉन्फिडेंस इंटरव्यू इनक्रीज एंथ पर्सन ग्रिएट करता है उत्साह पैदा करता है इंटरव्यू देने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और जो लोग डरते हैं द पर्सन और पीपल हु इंटरव्यू उन्हें लगता है हमारी बेज्जती हो रही है हमारा फोन करने आया है तो ऐसा कुछ नहीं है तो इसमें दोनों बातें बताई गई हैं इंटरव्यू की अब बात करते हैं अंबर नेम ऑफ द रोज नाम की प्रसिद्ध किताब लिखते हैं जिसकी दस हजार प्रतियां तुरंत बिक जाती हैं और उसके बाद मिलियंस बिकती हैं। उनके अनुसार वो बिल्कुल खाली समय को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं बहुत वो, वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति घर पे आ रहा है तो उसका वेट ना करके बल्कि अपना वो काम करना है लिखित काम करना है ताकि हम उसे बेहतरीन तरीके से कर सके तो आपको आपको ध्यान रखना है दो पार्ट में बटा है एक में इंटरव्यू के बारे में पूरा है और सेकंड पार्ट हम इको के बारे में है इनकी बुक के फेमस होने के क्या कारण थे ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है लास्ट चैप्टर आता है गोइंग प्लेसेज जिसमें सोफी नाम की एक इमेजिनेटिव लड़की जो दिन में सपने देखती है सोफी का बड़ा भाई भी है और छोटा भाई भी है छोटा भाई डेरेक और बड़ा भाई बड़ा भाई भी इसका है और इसी तरह इसकी सहेली सोफी है सोफी का भी भाई है अब ये दोनों बचपन की अच्छी सहेलियां हैं ट्वेल्थ में पढ़ रही हैं और सोफी का सपना है कि मैं एक बुटीक खोलूं क्या क्या बुटीक कब खोलूं जब मैं एक डायरेक्टर बन जाऊं एक मैनेजर बन जाऊं और एक फैशन डिजाइनर बनने के बाद लेकिन सोफी जो कि एक मेच्योर लड़की है हालांकि वो टीनेजर है फिर भी वो एक मेच्योर लड़की है सोफी सोफी अपेक्षा ध्यान रखिएगा जेंसी की बात करूं जेंसी मेच्योर है सेंसिबल है देन हर हाउ तो टू द लाइफ इन टाइम वो उसे समझाती है कि अच्छा करना है अभी ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं कहीं काम करने की जरूरत नहीं पापा अनुमति नहीं देंगे जेंसी उसे समझाती है और ये बात बढ़ती जाती है वो अपने बड़े भाई को यहां तक बोल देती है बड़े भाई की एक विशेषता ही स्पोक ओनली फू वर्ड्स इन फैमिली वो मैकेनिक का काम करता है बाहर छोटा भाई घर पे रहता है अच्छा एक बात है सोफी के पापा बड़े शौकीन व्यक्ति थे कैसे शौकीन थे फुटबॉल मैच देखने के शौकीन व्यक्ति थे जब गेम हारे या जीते बिल्कुल शाम को वो वाइन पीते थे ये सारा उस कहानी में बताया गया है और यह भी बताया गया है कि वो कभी अपनी बेटी पे यकीन नहीं करते थे बिकॉज ही नो बिकॉज बातें करती थी झूठ बोलती थी और बाद में देखिए वो इतना झूठ बोल देती अपने भाई से कि मैं कैसी से मिली अब मैं बात करूंगा डेनी कैसी कौन था बच्चों एक आयरिश फुटबॉलर था आयरलैंड में रहने वाला ये लड़का बहुत अच्छा बहुत ही एंथीजियास्टिक लड़का था बहुत मेहनत करता था लेकिन वो मनी मन और झूठ बोलने लगी थी कि मैं उससे मिली हूं इस पर कोई यकीन नहीं करता इवन उसका बड़ा भाई उसके पापा से शिकायत करता है कि ऐसा हुआ है तो पापा उसे घूरते हैं कि झूठ बोल रही है लास्ट में वो बिना मतलब में इंतजार करती हूँ बाद में पता चलता है कि ये सब फेक आइडियोलॉजी थी तो ये चैप्टर हमें एक सीख देता है कि वी शुड बी वेरी सेंसिबल एंड मैच्योर ड्यूरिंग टीन एज ऑल्सो हमें समझना चाहिए उम्र कोई भी हो हमें बहुत ही संजीदा होकर बहुत समझकर कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए हमें वही सोचना चाहिए जो हम कर सकते हैं हमें हमारे माँ बाप हमारे पेरेंट्स उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए इस तरह से यह आपका चैप्टर खत्म होता है मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आप बेहतरीन से बेहतरीन लिखने का प्रयास करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि मैं विस्टास का भी इस तरह से छह चैप्टर्स जो आपके कोर्स में सेंट्रल बोर्ड में जो सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए छह चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है मैं बताऊं तो आप उसके लिए मैसेज में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा और याद रखिएगा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और उसको शेयर करना तो कतई नहीं भूलना है आपको ठीक है देन मैं डेफिनेटली पोइट्री पर भी एक नया वीडियो बनाऊंगा और विस्टास पर भी एक नया वीडियो बनाऊंगा आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग विच आई हैव एक्सप्लेन बिफोर यू